लें जी, अब हम देखते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक कॉलम्स, खासतौर पे हिस्टोग्राम के साथ हो जाता है, बट देयर आर मेनी अदर वेज, खासतौर पे स्टेटिस्टिकल टेस्ट भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर सकते हैं. ठीक है, वो कौन से टेस्ट हैं, कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं और डेटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी होती है, ये सब देखने वाले हैं. स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की वही वाला स्क्रिप्ट चल रहा है. मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि इसको हम और आसानी के साथ देख सकें. ये हमारे पास एज के कॉलम के ऊपर हमने काम किया था. अब यहां पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका मैं एक नया वाला कोलैप्सिबल जो है वो बना लेता हूं ताकि हमारे पास जो काम है वो सही तरीके से चले. अब देखिएगा, मैं यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहले बात कर लेता हूं कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसी है, एंड देन आई विल शो यू. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि दोनों साइडों पे सेम वैल्यूज हों, यानी कि अगर सेंटर से उस डिस्ट्रीब्यूशन को कट किया जाए दोनों साइडें उसकी सिमेट्रिक हों. ठीक है, कितनी सिमेट्रिक हों उसके लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट मौजूद है जिसको शपीरो विल्क टेस्ट बोलते हैं. ठीक है, वो मैं आपको अब लगा के भी दिखाऊंगा. बट अभी ये सीक्वेंस की कमांड हमने जो स्टार्ट में हमने पढ़ी थी उसको यूज करके हमने ये वाला एक डेटा सेट या वेक्टर बना लिया. इसको मैं रन करता हूं जिसको हम ए का नाम देते हैं. अब इसके लिए हम इसको बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ऑफ एक्स, मीन इसका जीरो हो, स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी वन हो, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. बट फर्स्ट वी विल सी कि हमारे पास एक्स कैसा नजर आता है. ठीक है, तो मैं यहां पर हिस्ट लगा के एक्स को देखते हैं कि एक्स हमारे पास क्या वैल्यू देता है. लेट्स सी, एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू दे रहा है, यानी कि जो अभी हमने बनाई है लेंथ माइनस चार से प्लस चार तक 100 वैल्यूज लेके आए हैं यहां से यहां तक और सारी की सारी सेम है. ठीक है, अब हमने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से पहले इसको डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जो है वाई. लेट्स सी, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं हिस्ट और इसके साथ वाई. अब आप It's not that one. Standard deviation plus one. X distribution normal. No, it's not working in that way. Standard deviation 1, 2, 3. No, it's not normal. So what if we use age ka column again? Then we will do it on that one. Age. TF डॉलर साइन एज, ये असल में यहां पे प्लॉट इसको थोड़ा सा, हाँ नाउ इट्स फाइन. यहां पे हमने हिस्टोग्राम बनाया एंड नाउ वी कैन सी शपीरो टेस्ट. ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही होगा, स्टैट के अंदर ही. मैं इसको रन करता हूं एंड यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. ठीक है, अब आप देखें, आप जो भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट का करेंगे ना, यहां पे फंक्शन अप्लाई शपीरो डॉट टेस्ट मैंने कर लिया डीएफ एज पे. ठीक है, यहां पे उसकी मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी, राइट. और ये वैल्यूज हमें बताती हैं कि डेटा नॉर्मल है कि नहीं है. इस टेस्ट को बोलते हैं शपीरो विल्क टेस्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बिल्कुल बेल कर्व बनी हो इस डेटा की. बेल कर्व से मुराद ये है कि दोनों साइडों पर सेम सेम हो. कितना सेम हो वो ये टेस्ट बता देता है. और ये टेस्ट क्या स्टेट करता है, वी विल सी दैट. अब इसको देख के आपको लग रहा है कि एज इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, क्या आपको लग रहा है ऐसा? अगर इसके ऊपर हम ऐसे रख के कुछ चीज ड्रॉ करें, डज इट लुक लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? आप कहते हैं नहीं है. लेट्स सी, हमारे पास ये डेटा कहता है कि आपकी जो पी की वैल्यू है दैट इज 7.337, एक्सपोनेंट उसका आ गया -0.8, यानी कि 0.00000007. ठीक है, 0.05 से काफी कम. क्या इसका मतलब है कि आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं? चलें इसको और समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं यहीं पे लेके आता हूं. एज के साथ ही मैं हिस्ट लेता हूं डीएफ डॉलर साइन और फेयर का. ठीक है, लेट्स सी, ये हमारे पास फेयर का आ गया और ये तो ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है ना. ठीक है, उसमें थोड़ा सा शक था, इसमें तो कोई शक नहीं है. अब इस पर शपीरो टेस्ट लगाते हैं, शपीरो टेस्ट, और यहां पे मैं फेयर पे लगाता हूं. यहां पे वैल्यू आ रही है, पी की वैल्यू इज लेस देन 2.2 की पावर 16. अब आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि जब आपके पास पी की वैल्यू ऐसी हो क्या डेटा नॉर्मल होता है? नहीं होता. अब हमारे पास यहां पे भी यही सीन है,
कि ये भी पी की वैल्यू बहुत लेस है, इसका मतलब डेटा नॉर्मल नहीं है। और उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। हमने सिंपल हिस्टोग्राम यहां पे बना लिए दोनों के। अब इन्हीं को हम जीजी प्लॉट के थ्रू बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल जीजी प्लॉट, और सिंपली हम इसी के थ्रू बना लेते हैं जी फेयर का जियोम हिस्टो, और यहां पे मैं इसको 50 के साथ कर लेता हूं। थीम क्लासिक करने की हमें जरूरत नहीं है, जस्ट टू हैव अ लुक। ये है जी हमारे पास फेयर का, और इसके ऊपर ही एज का भी बना लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूं, कॉपी पेस्ट, यहां पे करते हैं एज। मैं इन दोनों को रन करता हूं, ये दो मेरे पास प्लॉट्स हैं। यहां पे बैक एंड फॉरवर्ड जाके हम देख सकते हैं कि कौन सा प्लॉट क्या है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें छोटे 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 हिस्सों में भी डिवाइड करने के बाद, एक हमारे पास ये है पॉइंट, कुछ यहां पे है और कुछ यहां पे। इसका मतलब है कि हम ऐसे बेल कर्व बनाएंगे, वो ऐसे घूम के आके यहां तक जाएगी, जिसका मतलब है एसिमेट्रिकल होगी। सेकंड हमारे पास एज का है, ये देखें यहां पे ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, दैट इज व्हाई इट्स नॉट नॉर्मल। समझ आई बात की? हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं। अगर आपको पिछला हिस्टोग्राम दिखाऊं ना, यहां पे एज नॉर्मल लग रही है, बिकॉज वी आर मेकिंग बिग ग्रुप्स, ठीक है। वही बात हो गई ना, वो एक बंदे को किसी ने बोला था कि छोटे 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 पकौड़े बनाओ, उसने सारा वेसन इको वरी पा के कह दिया कि मैं कामयाब हो गया, साइंसदान बन गया, बड़ा पकौड़ा बन गया, पिज्जा टाइप। तो आप यही समझ सकते हैं कि जब वो बड़ा पकौड़ा बना, फिर पकौड़े पकौड़े ना रहे, ठीक है, वो कुछ और ही बन गया। तो यहां पे भी जब तक आप हिस्टोग्राम को डिफरेंट नॉर्मल बिन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, वो हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम नहीं कहलाता। आई मीन इट्स अ हिस्टोग्राम, बट उसकी सेंस खत्म हो जाती है। सो यू शुड हैव अ नाइस नंबर ऑफ बिन्स, ठीक है। यहां पे हमारे पास बिन्स आ गई। Now you can see it's not normal, and it is also indicated by the p value. Usually statistical analysis में when, okay, Shapiro-Wilk normality test का जो hypothesis है, इसके दो hypothesis है, null hypothesis और alternative hypothesis. मैं यहां पे null hypothesis की पहले बात कर लेता हूं, जो Shapiro-Wilk का है। ये हाइपोथेसिस ये स्टेट करता है, एच नॉट से इसे इंडिकेट करते हैं, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब जिन्होंने स्टैट के लेक्चर्स नहीं लिए हुए, उनके लिए मैं और भी आसान कर दूंगा, बट यू शुड लर्न स्टैटिस्टिक्स, जो मैं बारहा एक डेढ़ महीने से आपको बोल रहा हूं। और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, या अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये कब ट्रू होता है, जब आपकी पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 हो। कंडीशन क्या है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, ठीक है। आप एक मयार मुकर्रर कर रहे हैं कि 100% अगर कोई चीज होती है, उसमें से 95% कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये टेस्ट कहता है डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम मान लेंगे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। 100 में से 95% भी अगर ठीक हुआ, और वह 95% कैसे ठीक होता है, बेस्ड ऑन दिस पी की वैल्यू। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, दैट मींस 0.95 ट्रू है, 0.05 जो है वो उसमें से थोड़ी बहुत गलती की चांसेस हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है वी एक्चुअली डू नॉट रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस। आप ये समझ लें इन अदर वर्ड्स के हम कहते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 हो, और ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। और अगर पी की वैल्यू लेस देन 0.05 है, दैट मीन्स डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आई फ्लिप्ड इट, सॉरी फॉर दैट। सो डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ यू हैव ग्रेटर देन पी की वैल्यू 0.05, और इस केस में क्या होगा, डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसको याद रखना, कैसे याद रखें, ये मसले मसाइल होते हैं ना। सिंपल सा रूल है, आप ये कहें शपीरो भाई ने ये कहा था डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसका नल हाइपोथेसिस हो गया, सिंपल। समझ आ गई बात की, कि शपीरो टेस्ट ये होता है जो डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करता है। इसको लगाने से इसका मेन काम ही ये है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पी की वैल्यू लेस देन आ जाए, तो हम कह देंगे नहीं भाई, नहीं है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दी। अब इसी चीज को हम एक लूप के अंदर भी लिख सकते हैं कि वो खुद ब खुद ही बता दे, ठीक है। लेट्स सी, राइट, ओके, डू अ शपीरो विल्क टेस्ट
ऑन एज एंड प्रिंट द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन वैल्यूज यूजिंग प्रिंट फंक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अब कई तरीके हैं। ये शपिरोविल्क टेस्ट आ गया, इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और फिर उसकी बेस पे आप अपना जो टेस्ट है उसको इफ कंडीशन के साथ यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, ये है जी हमारा, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स हमारा वेरिएबल है, ठीक है। एक्स इज फॉर एग्जाम्पल डी एफ का एज कॉलम, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। मैं यहां पर लिखता हूं इफ शपीरो टेस्ट की पी वैल्यू, यानी कि शपीरो टेस्ट लगाओ एक्स पे, इफ कंडीशन लगा के मैं कहता हूं इफ ब्रैकेट शुरू शपीरो टेस्ट लगाओ एक्स पे, जब ये लग जाए उसकी जो पी वैल्यू आ रही है शपीरो टेस्ट की पी वैल्यू विच इज समथिंग लाइक दिस। मैंने ये शपीरो टेस्ट लगाया, अब शपीरो टेस्ट लगाने के बाद मैं अगर डॉलर साइन यहां पर लगाता हूं तो मैं पी वैल्यू लिख के सिर्फ पी वैल्यू प्रिंट करवा लूंगा। क्यों? क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। इफ यू लुक हियर, शपीरो टेस्ट के दो पार्ट हैं, एक W है, एक आपके पास P वैल्यू है, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूं इफ शपीरो टेस्ट X पे लगा के उसकी P वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 है, प्रिंट करो डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एल्स प्रिंट डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल, एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट्स रनिंग करेक्टली और नॉट, बट आई विल ट्राई। डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप ये कोड अपने पास रख लें, सिर्फ वेरिएबल चेंज करें, ये टेस्ट लग जाएगा, दैट्स इट। ये इतना सा कोड आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देगा कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, ठीक है। अब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है कि नहीं, इस पर क्यों हम डिपेंड कर रहे हैं इतना? बिकॉज If you go back to my book, which is statistical analysis, अगर इस पे जाएं, तो हमारे पास there are many tests जो data की normal distribution के ऊपर जो है वो matter करते हैं, ठीक है। और for example, अगर मैं यहाँ पे let me see inferential statistics में मेरे ख्याल से मैंने test रखे हुए हैं, ये आगे पी वैल्यू, ये statistical test, ये देखें यहाँ पे statistical test अगर आप करते हैं, अगर आपका data categorical है तो इन चीजों की तो बातें नहीं ना करने पे, numeric और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, देन वी विल गो टू अनदर टेस्ट कॉल्ड काई स्क्वेयर टेस्ट। लेकिन अगर आपका डेटा न्यूमेरिक है, देन यू विल सी इफ डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या होमोजेनियस। होमोजेनियस के लिए एक और टेस्ट होता है, वी विल सी दैट लेटर ऑन, बट नाउ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। अगर है तो पैरामेट्रिक टेस्ट की फैमिली लगती है, अगर नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की फैमिली लगती है, और ये दोनों बहुत डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं, ये है पैरामेट्रिक टेस्ट, वन वेरिएबल होगा तो उसकी बेस पे आप टी टेस्ट या जी टेस्ट लगाएंगे, दो होंगे तो उसकी बेस पे आप चूज करेंगे टी टेस्ट या जी टेस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर दो सैंपल्स को आपने टेस्ट करना है, फिर आगे आ जाते हैं, देन यू हैव सम अदर, अगर आपके पास डिफरेंट किस्म के पैरामेट्रिक टेस्ट और देखें तो पियर्सन कोरिलेशन जो है वो पैरामेट्रिक है, स्पीयरमैन जो है वो उसका उल्टा है, नॉन पैरामेट्रिक। फिर इसी तरीके से वन वे अनोवा, अनोवा मल्टीवेरिएट अनोवा जो आने वाले दिनों के अंदर हम करने भी वाले हैं, सो ये सारा कुछ पैरामेट्रिक के अंदर है। नॉन पैरामेट्रिक में टोटली उनके डिफरेंट है, मैन विटनी है, आपके पास विल्कॉक्सन टेस्ट है, क्रुक्शुल वालिस है, फ्रेडमैन टेस्ट है, एंड देर आर मैनी अदर टेस्ट। और ये टेस्ट करते क्या है? ये टेस्ट असल में स्टेटिस्टिकल इक्वेशंस के ऊपर बेस करके, सॉरी फॉर दैट, इक्वेशंस के ऊपर बेस करके आपको रिजल्ट्स देते हैं कि आपका डेटा जो है वो किस तरीके से आपको नजर आ रहा है या किस तरीके से नजर आना चाहिए या डेटा में सिग्निफिकेंस कितनी है। इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ये टेस्ट जो हमने लगाया शपीरोविल्क, इसने हमें बता दिया डेटा नॉर्मल है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम वो टेस्ट की फैमिली में से टेस्ट चूज ही नहीं कर सकते जो एज मेल और फीमेल की कंपेयर करनी है। अगर हम चाहें कि मेल वर्सेस फीमेल की एज को कंपेयर करें, देन वी विल यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्यों? क्योंकि एज का कॉलम हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। या तो हम इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, या हम टेस्ट डिफरेंट यूज करेंगे। सो देर आर मैथड्स टू कन्वर्ट द डेटा इन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
एंड देर आर मेथड्स टू यूज सम अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सो आइदर आप टेस्ट वो यूज करते हैं या डेटा को नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है. और ये वाली तीन लाइनें जो हैं ये आपके काम आने वाली हैं, ठीक है. और इसी तरीके से दो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं अदर देन शपीरो विल्क टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, ठीक है. और अगर आप कोई भी कुर्टोसिस और स्क्यूनेस क्या होती है, बेसिकली फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, जो ऊपर ऐसे आपने बेल कर्व बनानी है इसके ऊपर, वो कितनी फ्लैट है, यानी कि नीचे कितनी आ रही है और कितनी ऊपर जा रही है. इसकी एग्जाम्पल मैं यहां से, लेट मी सी इफ आई कैन टेक द पेन फ्रॉम हियर. मैं यहां पे वन नोट पे जाता हूं. ये देखें, अब ये मैंने बेल कर्व बनाई है, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है. और एक ये वाली बेल कर्व बनाई है, दोनों बेल ही है ना, लेकिन एक फ्लैट है एक बहुत पीक पे है. सो स्क्यूनेस क्या होती है कि कितना वो आपस में पिचकी हुई है. कुर्टोसिस होती है वो कितना फ्लैट है. लेट्स सी नाउ विद द एग्जांपल्स, कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस. ये इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स आपको गूगल इमेजेस से मिल जाती है. ये है जी, ठीक है. ये एक डायग्राम मैं अक्सर दिखाता होता हूं जब भी लेक्चर हो. हियर यू गो. सो यहां पे अगर गौर करें, आपको कुर्टोसिस नजर आएगी, पॉजिटिव होगी यानी कि वो बहुत ऊपर को खड़ी हुई है, और अगर नेगेटिव में होगी तो बहुत फ्लैट की तरफ है. नॉर्मल क्या होती है, सेंटर में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक हो गया. और पॉजिटिवली स्क्यूड, स्क्यूनेस होती है अगर एक साइड को कोई चीज स्क्यू हो जाए, पिचकी हुई हो जाए. पॉजिटिवली स्क्यूड यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस से ये स्क्यूड है. नेगेटिवली स्क्यूड मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस से ये स्क्यूड है. तो ये दो किस्में होती हैं, कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस. अगर आपको इसको भी पता चल जाए तो इसका मतलब है जो सिमेट्री ऑफ डेटा है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस. और ऑफ कोर्स स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस जो है उनकी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप एक प्लॉट बना के भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब यहां पे स्क्यूनेस कुर्टोसिस जो है वो बेसिकली आपको समझ आ गई होगी, आई एम होपफुल, अगर आप ये दोनों चीजों को देखेंगे, ये दोनों डायग्राम्स को देखेंगे. और ऑफ कोर्स इसके ऊपर अच्छे खासे जो ब्लॉग्स हैं लोगों ने लिखे भी हुए हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड द सेम थिंग इन द बुक. लेट्स सी. एंड ओके, सो यहां पे आपकी असाइनमेंट ये है, फाइंड स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस ऑफ एज एंड फेयर, ठीक है. किस तरीके से आपने फाइंड करनी है वो आपने देख लेना, मैं जल्दी जल्दी लिख दूं, वरना इसने कुछ और ही मुझे बता देना कि यहीं पे इसका हल ले लो, तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट हो जाएगी. राइट, यहां तक क्लियर होगी जी बात, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस कैसे होती है. अब हम यहां पे बनाएंगे डेंसिटी प्लॉट ऑफ एज, जस्ट टू शो यू कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो प्लॉट होते हैं उनके अंदर डेंसिटी प्लॉट जो है वो भी एक प्लॉट है. लेट्स सी, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी द कर्व. सही है. सो जरूरी नहीं हिस्टोग्राम आप बनाएं, आप डेंसिटी प्लॉट से भी डेंसिटी चेक कर सकते हैं कि कहां पे किसकी क्या डेंसिटी है. एंड बिलीव मी, यू डोंट नीड टू इवन प्रोवाइड द बिन्स हियर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेंसिटी प्लॉट, ठीक है. और इसको आप कलर भी कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू, या आप अपनी थीम भी चेंज कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू. सो देर आर मेनी थिंग्स, मेनी ऑप्शन देयर, ठीक है. ये कोड सारे आपको मिल जाएंगे, सो इट विल बी इजियर फॉर यू. सो आप अगर एज की नहीं बनाना चाहते, फेयर की बनाना चाहते हैं डेंसिटी प्लॉट, यू कैन ऑल्सो प्लॉट दैट. और यहां पे आप चेक कर लें, आपको यहीं से समझ आ जाएगी कि आपका जो प्लॉट है वो कैसा बन रहा है और ये स्क्यूनेस कुर्टोसिस कैसी है उसकी, ठीक है. स्क्यूनेस ये, अच्छा ये वाला जो फेयर का प्लॉट है ये कहां पे स्क्यूड है जी, किस साइड पे स्क्यूड है. पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड. अब इसका मतलब क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड का, कोई समझा सकता है. हम बात कर रहे हैं किराया की, फेयर की इन टाइटैनिक. पॉजिटिवली स्क्यूड का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मकसद है बताने का. चले मैं आपको एक हिंट देता हूं, क्या जैसे जैसे किराया बढ़ रहा है लोग कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं. कम हो रहे हैं.
और पिचका होने का मतलब है कि बहुत कम हो रहे हैं, आफ्टर अ सडन डिक्लाइन। इसी वजह से ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको भी पता है कि ट्रेन्स में या टाइटैनिक में या कहीं पे भी आप सफर करें तो मीडिया जो आपकी जो इकोनॉमिक क्लास होती है वहां पे लोग ज्यादा होते हैं, बिजनेस में कम होते हैं। सो यूजुअली जब भी कोई प्रीमियम चीज होती है वहां पे लोग कम ही जाते हैं। एक ये वाली सेंस बनी। सेकंड क्या बनी कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा किराया दिया है, जिनका $80 से ज्यादा या £80 से ज्यादा किराया है या 50 से ज्यादा, दोज पीपल आर वेरी फ्यू। या तो वो किसी एजेंडे के गेड़े च आ गए, या सेकेंडली क्या हो सकता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, उन्होंने टिकट एंड टाइम पे ली है, उन्हें सस्ती नहीं मिली टिकट, कोई कूपन नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इंट्यूशंस विद दिस डेटा विजुअलाइजेशन डेंसिटी प्लॉट से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फेयर के, एज के। अब मुझे बताएं क्या हो रहा है। आप यहां पे कह नहीं सकते कि यहां से 35 के बाद आवाम बहुत कम हो रही है, और इस एक पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक अगर इस एरिया को आप शेड करें तो आप सिंपली कह सकते हैं ना, ये वाला एरिया जो है, आप सिंपली ये भी तो कह सकते हैं कि ये वाला एरिया सबसे ज्यादा लोगों का है, 20 to 35 आप कह सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन यू डू इन योर डेटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इसका मतलब ये हुआ जिन लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन करना सीखनी है दे नीड टू लर्न स्टेटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप ये बातें कहेंगे, यू हैव टू से कि ये डेंसिटी प्लॉट बनाया हमने, शपीरो विल्क टेस्ट किया है, उसके अंदर किटोसिस फिर बाद में हमने देखी, हमने स्क्यूनेस देखी, जिसके बेस पे वी कैन से कि जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है इन फेयर दैट इज राइटली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड, जिसकी वजह से वी कैन हैव दीज काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड हेयर वी कैन हैव अदर काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की, क्लियर है ना, ईजी है। ओके, सो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं और इस तरीके से डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिक डेटा। कैटेगोरिकल डेटा के क्यों नहीं ऐसे चेक कर सकते। चले मैं काम करता हूं इसी जगह पे ना, ये जो मैंने प्लॉट एक बनाया है मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, व्हाई कांट वी डू द सेम विद कैट कॉलम्स या कैटेगोरिकल कॉलम्स। मैं यहां पे एज की बजाय ना यहां पे मेल फीमेल जो जेंडर है सेक्स की वैल्यू उसको रख देता हूं, लेट्स सी क्या हाल है, खाक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रही है, समझ आई बात की या नहीं आई। यू कांट से एनीथिंग अबाउट दिस प्लॉट, यू कैन से ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स, लेकिन क्रॉस लग गया भी, यहां किसी ने वो नहीं लगाया होता काटे मीटे इसको हम बोलते हैं वो मारे हुए हैं। ठीक है, चलो कोई और कॉलम ले लेते, हो सकता है ये वाला सही ना हो, पी क्लास एक कॉलम था। हाँ जी, कुछ समझ आ रही है, आपको लग रहा होगा कि न्यूमेरिक डेटा, नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास थी, दिस वॉज फैक्टोरियल डेटा विच वॉज इनकोडेड इन टू न्यूमेरिक नंबर, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास थी डेटा में। अगर आप गौर करें, मैं आपको डेटा दिखाऊं, क्लास ये वाली थी एंड हियर यू हैव पी क्लास 1 through 3। अगर इसको मैं क्लास लिखूं यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग, ये काम है ओरिजिनल। ठीक है, सो अगर हम ये नहीं कर सकते तो आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है हम जियोम, ये जो पीछे बनाया था हिस्टोग्राम, जियोम हिस्टोग्राम बना ले इसका। मैं कहता हूं चलो जियोम हिस्टोग्राम बना के देख लेते हैं, हिस्टोग्राम कुछ भी नहीं बन रहा, परहैप्स काउंट इसका लेके उसका बनेगा या किसी और चीज का, तो आर एरर दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आर एरर दे रहा है, इसका मतलब है वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर, दैट इज drawing histogram for class, hist df dollar sign class, यहां पर भी आ रख,
एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक. तो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, दोज पीपल आर स्टेटिस्टिशियंस बाय देयर ट्रेनिंग. तो इस वजह से दे हैड इनपुटेड सम रूल्स हियर, जहां पे एक्स है, वाई है, कभी न्यूमेरिक चाहिए उनको, कभी कैटेगोरिकल चाहिए. सो यू नो कि जब ऐसी एरर्स आए तो समथिंग इज रॉन्ग. ठीक है. सो अगर ये नहीं होता तो कैटेगोरिकल कॉलम्स का क्या होता है, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते, उनको हम वैल्यू काउंट्स बोलते हैं, या काउंट्स बोलते हैं, या बैलेंस देखते हैं. ठीक है. और उसके लिए पिवट टेबल्स हमारे पास होते हैं, एंड डिफरेंट किस्म की अदर टेक्नोलॉजीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे उसी चीज को हिस्ट की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट. प्लॉट लिख के मैं साथ ही डीएफ क्लास लिख देता हूँ, एंड नो मिसिंग आर्गूमेंट्स. अच्छा जी, इसके साथ प्लॉट की बजाय जी, बल्कि नहीं, बॉक्स प्लॉट कर दें. लेट्स सी, ये मैं एज का कॉलम बॉक्स प्लॉट पे बनाया, और एक तो मेरी कीज गुम हो जाती हैं यहां पे जब मैंने लगानी होती है. यस, दिस वन. ये आप चेक करें, कैटेगोरिकल कॉलम कैन बी यूज्ड एज अ कैटेगरीज. ठीक है, जस्ट टू शो द न्यूमेरिक कॉलम आइदर, और वी कैन क्रिएट अ काउंट प्लॉट. अब यहां पे काउंट प्लॉट ऑफ क्लास यूजिंग जीजी प्लॉट टू. यहां पे जीजी प्लॉट टू का हम जियोम बार प्लॉट बनाते हैं. होपफुली इट विल वर्क, अदरवाइज वी विल सी क्या मसला है. यस, सो नाउ व्हाट इट डिड इज, हमने जीजी प्लॉट बनाया, डेटा डीएफई है, एस्थेटिक्स हमने दी एक्स एक्सिस पे क्लास, दैट्स इट. सिर्फ क्लास को एक्स एक्सिस पे रख दिया, जियोम बार बनाया हमने, बार प्लॉट इसे बोला जाता है. इसने ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट किया, काउंट ऑफ क्लासेस. आई एम नॉट सीइंग एवरेज, दिस इज काउंट. क्यों एवरेज, अगर न्यूमेरिक डेटा साथ मिले तब एवरेज होगी, वरना काउंट होगा. समझ आ रही बात की. अब ये हमारे पास थीम को भी मैं रिमूव कर देता हूं, एमी कोड को बढ़ा रही है. नाउ यू कैन सी काउंट आ गया, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी. अब मुझे कोई बता सकता है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास में सबसे ज्यादा लोग किस क्लास में थे? कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास? पास पास है ना, आप कहेंगे ये ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है. ये जो थोड़ा सा ऊपर है ना, और ये थोड़ा सा कम है, ये हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू डिफाइन करते हैं कि या क्या ये सिग्निफिकेंटली ज्यादा है या कम है. और उसके लिए हमें काई स्क्वेयर टेस्ट या अदर टेस्ट को यूज करना पड़ता है, जो कैटेगोरिकल कॉलम या क्वालिटेटिव डेटा के लिए है. एंड सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर मोस्टली डेटा होता है क्वालिटेटिव, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव दीस काइंड ऑफ प्लॉट्स, आई वुड से अ लॉट ऑफ टाइम्स. और आपने देखा कि डिफरेंट अदर डेटा एनालिसिस के टूल्स के लिए, जहां पे कैटेगोरिकल कॉलम्स को हम यूज करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, या आपका सर्वे का डेटा होता है, यू यूजुअली यूज दीस काइंड ऑफ प्लॉट्स. ठीक है. अब अगर मैं इसी को मैं कॉपी करूं, अब मैं दोनों को कंबाइन करके प्लॉट करना स्टार्ट कर दूंगा, देन इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस इमीडिएटली. y इज इक्वल टू, मैं यहां पे एज कर देता हूं, इनको रन करता हूं, एंड लेट्स सी, मस्ट ओनली हैव x और y. एज, लेट मी सी कहां पे एरर है. So, arrange a problem while computing stat. Yes. Stat is equal to identity. Now it's working fine. अच्छा, ये क्यों है मैं आपको भी समझाता हूं. अब जब हमने एज का कॉलम दिया ना, तो आर जो है वो टेंशन में पड़ गया कि मैं क्या कैलकुलेट करूं भाई इसका. समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कैलकुलेट करूं. And then you have to say either mean or some other thing. ठीक है. So identity is one of the things. जो आप देखेंगे geom bar के अंदर stat is equal to identity आ रहा है. For example, मैं यहां पे column geom bar लिखता हूं, and I run this. You will see bar chart के अंदर geom bar क्या होता है. You will see these kind of values. जैसे मेरे पास different किस्म की values आई हैं. Stat count भी आप कर सकते हैं. आइडेंटिटी जैसे मैंने लिखा है, आप यहां पे काउंट लिखेंगे, यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉट. लुक, काउंट, लेट्स सी, अगेन एरर. ऑफ कोर्स वी हैव टू रिमूव आर, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक डेटा का काउंट नहीं हम कर सकते. स्टैक कर सकते हैं, एंड देन वी हैव बार, जियोम बार है, दैट्स अनदर थिंग,
एंड लेट मी सी, यहाँ पे जाके स्टैट को फाइंड आउट करते हैं। जियोम स्टैट, स्टैट काउंट से भी इसे कर सकते हैं, जियोम बार से भी कर सकते हैं। काउंट इट डिडंट मेंशन हियर। ओके सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आइडेंटिटी। एंड वी रन दिस। अब ये क्या कर रहा है अगर आप गौर करें तो फर्स्ट क्लास के जितने भी लोग हैं उनकी एज को क्या कर रहा है अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो एक्सिस में इन अ वे सम कर रहा है। दूसरे भी ऐसे किया, थर्ड को भी ऐसे किया, ठीक है। 7500 किसी की एज तो नहीं ना हो सकती, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज एक्चुअली समटाइम्स व्हेन यू हैव टू प्लॉट अ बार प्लॉट विद टू कॉलम्स, फर्स्ट यू नीड टू इंप्यूट देयर स्टेटिस्टिक्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं आपको दिखाता हूं एंड देन वी विल सी। यहां पे करता हूं जी, ये मेरे पास है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैलकुलेट मीन एंड एसटी ऑफ एज एंड देन मेक अ प्लॉट विद। सो हम यहां पे डीएफ है हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट एम किया हमने, ठीक है, ग्रुप बाय किया। और यहां पे आप ग्रुप बाय डिफरेंट किस्म के तरीकों से भी कर सकते हैं, यानी कि आप सेक्स की बेस पे भी कर सकते हैं या कोई भी कॉलम ले लें। तो मैं यहां पे इसको सेक्स की बेस पे भी कर सकता हूं एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज यू जस्ट स्टार्ट विद डीएफ और यहां से एंटर मारें, अपनी अगली कमांड लिखें ग्रुप बाय का फंक्शन, और ये ग्रुप बाय के फंक्शन की बेस पे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं सेक्स, ग्रुप बाय करो, समराइज हमने किया, मीन कर लिया एज का एंड देन उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हमने क्या किया यहां पे, आई विल जस्ट शो यू। हमने डेटा फ्रेम लिया, उसको पाइप किया कि आप ग्रुप करो, मेल और फीमेल का सेपरेट कर लो बेसिकली, ठीक है, एंड देन समराइज करो एज को बेस्ड ऑन ईच कैटेगरी, क्योंकि वो पीछे पाइप पहले लग चुका है उसका। सो पाइपिंग टू द अदर स्टेप, देन यहां पे मीन को करके, और जो हमारे पास जो रिमूव जो नल वैल्यूज होंगे उन्हें हमने रिमूव कर देना, बिकॉज देर आर मेनी नल वैल्यूज देयर इन द एज। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्लॉट, ठीक है। और प्लॉट कैसे कर सकते हैं आप यहां पे, अब आप पे डिपेंड करता है कि ggplot2 को यूज करना है या कोई और प्लॉट को यूज करना है। बट इफ आई जस्ट शो यू कि हुआ क्या है यहां पे, लेट्स सी। यहां पे चेक करें, हमारे पास ये चार वैल्यूज आई हैं, ये वाली सेक्स की बेस पे एवरेज आ गया मीन का, यानी कि फीमेल की ऑन एन एवरेज एज है 27.9, मेल की है 30.7 ऑन एन एवरेज। लेकिन जैसे हमने पूरे एज का मीन लिया था तो क्या आ रहा था, 29.something। देखें दोनों में फर्क आ गया, आप समझ आई बात की। एंड दिस इज हाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। अब हम थोड़ा सा और इसमें ज्यादा इन होते हैं। अब अगर आप गौर करें यहां पे, हमारे पास ये हमने जो चीज बनाई है डीएफ को सब ग्रुप की है और मेन और एवरेज वगैरह लेना स्टार्ट कर दी है इसकी। व्हाट इफ वी कैन से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ ग्रुप बाय, यहां पे देखिएगा डीएफ कंट्रोल शिफ्ट एम, यहां पे मैं करता हूं फिल्टर और यहां पे मैं कर देता हूं से फॉर एग्जाम्पल सेक्स इज इक्वल टू, यहां पर कर लेते हैं मेल कर लेते हैं पहले, लेट्स सी। ये चेक करें, ये सिर्फ और सिर्फ मेल की एज का हिस्टोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ मेल की। और यहां पे अगर मैं फीमेल लिख दूंगा, ये सिर्फ फीमेल की एज का हिस्टोग्राम है। डिड यू सी द डिफरेंस, ये वाला जो है ये फीमेल की एज का हिस्टोग्राम है एंड दिस वन इज मेल की एज का हिस्टोग्राम, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या आ रहा है अगर आप गौर करें, मैं यहां पे इसको कंट्रोल शिफ्ट 6 करके दिखाता हूं और आपको यहां पे एक बात एक पॉइंट क्लियर करना है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अ बिट एफर्ट ऑन दिस। ये मेल है,
ये फीमेल की एज है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स यू कैन अगेन चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज सेपरेटली। दैट्स द पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक हियर। जब आपने दो चीजों को कंपेयर करना है यू हैव टू चेक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब ग्रुप्स एज वेल। ओके जी, होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, जब आपके पास ये वाला पिछला वाला कोड मैं रन कर रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों की मेन भी आ गई और उनकी स्टैंडर्ड एज भी आ गई, ठीक है। अब आपके पास ये दो कॉलम्स आ गए हैं मेन एज एंड एस डी एज के, और आपके पास सेक्स का कॉलम है, तो वी कैन एक्चुअली प्लॉट। मैं इसको कॉपी करता हूं, नीचे ले आता हूं, यहां पे जी जी प्लॉट यहां पे कर देता हूं मीन एज कॉमा मीन एज कॉमा सेक्स। लेट्स सी मीन एज नॉट फाउंड, आई न्यू इट बिकॉज वी डिडंट कंबाइन दैट इनटू दिस, नॉट वर्किंग। Again not group by हमने कर दिया है, एज को करके देखते हैं। It's not working in this way. I knew it. सो आप इसको सेपरेट ऑब्जेक्ट में भी सेव कर सकते हैं, तो मैं इसको रख लेता हूं मीन्स, इसको रन करता हूं, ये मेरे पास मीन्स के दो डेटा फ्रेम जो है आ गया, यहां पे आप देख सकते हैं सेक्स मीन एज एंड एस डी, एंड नाउ वी कैन प्लॉट दिस। सो जी जी प्लॉट डी एफ नहीं करना, हमने मीन्स करना है कॉमा ए ई एस एस्थेटिक और x इज इक्वल टू मीन, नहीं x इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास सेक्स है कॉमा y इज इक्वल टू मीन एज, नाउ यू कैन सी द एवरेज, ठीक है। सो उसको मैंने सेपरेट ऑब्जेक्ट में कर लिया, बट यू कैन ऑल्सो डू इन द सेम कोड। मैं यहां पे भी उस पर टाइम नहीं ज्यादा लगाना चाह रहा था बिकॉज ऑलरेडी हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, सो नाउ यू कैन सी, ठीक है। तो हमने कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिक कॉलम दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है डेटा की वो चेक की है आर को यूज करते हुए, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे होते हैं आपको डेटा की और भी समझ आती है और डेटा को आप करीब से देखते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशंस आपको डेटा एनालिसिस में हेल्प आउट करती है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशंस का बताओ डेटा किस किस्म का है, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन कैसी है उसकी, फिर बाद में आप उसका कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप देखते हैं। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले डेटा की कंपोजिशन, कि डेटा में है क्या क्या, कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, डेटा की स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, ये सारी चीजें डेटा की कंपोजिशन कहलाती हैं, कि डेटा किन चीजों से मिलकर बना है। सेकेंड वन इज डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है। थर्ड वन इज डेटा का आपस में कंपैरिजन, कि दोनों या दो या तीन जितने भी आप वेरिएबल्स करें हर कॉलम का आपस में क्या कंपैरिजन है। एंड द फोर्थ वन इज डेटा का रिलेशनशिप आपस में। ये चार डिफरेंट डायरेक्शंस जो हैं डेटा एनालिसिस करने में आपको हेल्प आउट करती हैं, और इन्हीं चार डायरेक्शंस के अंदर आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स छुपी होती है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स छुपी होती है, ठीक है। अगर आप ये चार चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे देन यू कैन क्रिएट नाइस प्लॉट्स। ऑफ कोर्स प्लॉट हर कोई बना लेता है, बिलीव मी, बच्चा आजकल प्लॉट्स बना रहा है। हम अपने जो किड्स बूटिंग कैंप बूट कैंप के अंदर बच्चों को बिलीव मी एक्सेल पे ऐसे शानदार प्लॉट्स वो बना रहे हैं, आप परेशान हो जाए एक्सेल पे। तो प्लॉट बनाना मुश्किल नहीं है, जो चीज मुश्किल है ना वो ये है कि प्लॉट्स को इंटरप्रेट करना, स्टेटिस्टिकली उनको एनालाइज करना, एंड देन राइट डाउन इन अ वे कि वो प्रेजेंटेबल हो प्लस पब्लिशेबल हो। बार प्लॉट ही रहता है, लेकिन जब तक स्टोरी नहीं आती बार प्लॉट के अंदर तब तक वो पब्लिशेबल नहीं होता,
सो यू नीड टू लर्न स्टोरी. स्टोरी आती है स्टैट के साथ, एनालिसिस के साथ और कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ जो इंटरप्रेट करते हुए आप लिखते हैं, जैसे मैंने आज आपको बताया. अब आपने क्या करना है, जब भी आप डेटा अपना निकाल रहे हो या उस पर एनालाइज कर रहे हो उसको, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जिस सॉफ्टवेयर से आपने एनालाइज किया वो भी बताएं, जिस पैकेज से एनालाइज किया वो भी बताएं, प्लस डेटा के रेप्लीकेट्स कितने थे वो भी बताएं, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी वो भी बताएं, एंड देन एट द एंड कंपैरिजन या रिलेशनशिप की बात करें. रीजन बिहाइंड दैट, जब आप ऐसे सिस्टमेटिकली चलते हैं जो रिव्यूअर होते हैं उनको पता होता है कि नहीं भी इस बंदे को पता है कि क्या कर रही है, ठीक है. एंड दैट्स हाउ यू लर्न कि आप सिस्टमेटिकली डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं. ठीक हो गया जी.